गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आप बहुत अच्छे हो। ठीक है गाइस, तो हम अपना पहला चैप्टर कल आखिरी कॉन्सेप्ट ख़त्म कर चुके थे और हमने कल की क्लास में कुछ दो तीन मज़ेदार कॉन्सेप्ट सीखे थे। वो कॉन्सेप्ट क्या थे गाइस? वो कॉन्सेप्ट थे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। दोनों में डिफरेंस आज फिर से बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कि कितने एटम्स एग्जैक्टली उसके पास रियल में मौजूद है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि उनका सिंपलेस्ट रेशो क्या है। राइट, एम्पिरिकल फॉर्मूला यू नो स्मॉलेस्ट रेशो ऑफ द एटम्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एग्जैक्ट रेशो ऑफ द एटम्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। किसके बारे में बताया था? लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। तो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट एक वो स्पीसीज है जो लिमिटेड अमाउंट में हो, यानी कि किसी रिएक्शन के दौरान जिसकी अमाउंट तो कुछ और डिजायर्ड हो, कुछ और रिक्वायर्ड हो, लेकिन वो प्रेजेंट में कम हो हमारे पास हो, तो उसको क्या बोलेंगे गाइस? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। इसी सीरीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेके आया हूँ। कॉन्सेप्ट तो हमारे सारे खत्म हो चुके, आज करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस सबसे पहले करते हैं मास परसेंट से कैसे निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड केमिकल फॉर्मूला। राइट, तो एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ये हमारे एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है। राइट, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। गिवन द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 4.04% एंड ऑफ कार्बन इज 24.27% एंड ऑफ क्लोरीन इज 71.76%। राइट, ऑल्सो द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 98.96 ग्राम पर मोल, देन कैलकुलेट the empirical formula and molecular formula of the compound. क्वेश्चन आपके सामने है, मास परसेंटेज दिया है अलग अलग एटम्स का, जैसे कि हाइड्रोजन का दिया है गाइस 4.04%, उसके बाद कार्बन का दिया है 24.27% और क्लोरीन का दिया है 71.76%। राइट, और एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस कंपाउंड का पूछ रहा है, मोलर मास भी हमें दिया हुआ है। बात समझ में आती है? इस सवाल को फटाफट लिखे, इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। कैसे इस सवाल को करना है? सवाल को लिखने का मौका दूंगा कंप्लीट, सवाल को पहले सोल्व करते हैं सीधा गाइस। ठीक है, क्या करते हैं गाइज? सोल्व करते हैं, आगे चलते हैं। देखो हमें जो गिवन है गाइज, वो है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। इट इज 4.04, इट इज 24.27, इट इज 24.27% और इसका दिया है आपको 71.76%। कितना दिया है? 71.76%। क्लियर? स्टेप वन, स्टेप्स में होगा ये क्वेश्चन। स्टेप वन है कन्वर्ट मास परसेंट टू गिवन मास। कन्वर्ट परसेंटेज मास टू मास। अब देखो
माना कि कंपाउंड के पास ऐसे परसेंटेज दी है एलिमेंट्स की, तो आपको उतना तो पता ही है कि किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज आपको दी हो, क्लियर, तो टोटल तो उस कंपाउंड का मास 100 ग्राम ही होता होगा। जैसे कि आपके 78% मार्क्स आए, तो कितने में से आए? 100 में से। अगर आपके 100 में से 78 मार्क्स आए हैं तो क्या बोला जाएगा कि आपके 78% मार्क्स है। तो मतलब इसका क्या है, अगर परसेंटेज में चीजें देते हैं तो हमें बताया है कि कंपाउंड का गिवन मास कितना है। हियर द मास ऑफ द कंपाउंड, द मास ऑफ द कंपाउंड इज 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम पूरा कंपाउंड का मास है तो वो कैसे बना होगा? हाइड्रोजन का मास जोड़ के प्लस कार्बन का मास जोड़ के प्लस क्लोरीन का मास जोड़ के। इट मींस द मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया? 4.04 ग्राम। जितना उसका परसेंटेज है उतना ही उसका मास है। द मास ऑफ कार्बन इज 24.27 ग्राम एंड द मास ऑफ क्लोरीन इज 71.76 ग्राम। स्टेप वन में तो आपने सीधा परसेंटेज को मास में लिख लिया, आपने और कुछ नहीं किया। आपने क्या किया, जो भी आपकी परसेंटेज गिवन थी उसको आपने मास में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि परसेंट में ओवरऑल जो चीज़ होती है वो 100 ग्राम होती है, यानी कि 100% 100 पे आंकड़ा चलता है परसेंटेज का, राइट। तो परसेंटेज आता है टोटल 100 ग्राम, और उसका जितना भी परसेंट देते हैं वही एलिमेंट उसका उतना कॉन्ट्रीब्यूशन अपना मास का उसके अंदर देगा, राइट। आगे चलते हैं स्टेप टू। स्टेप टू क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब आपके पास गिवन मास तो आ ही गया सबका, ये क्या है गिवन मास है, और मोलर मास आप एक एक स्पीसीज का जानते हो, तो आपको क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन का गिवन मास कितना है अपॉन इसका मोलर मास कितना है, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास है इसका 4.04 और मोलर मास होता है इसका 1, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है एक में प्रेजेंट है। मोलर मास कितना होता है इसका, एटॉमिक मास कितना होता है इसका हाइड्रोजन का? 1, क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं, है ना, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे। तो इसके आ जाएंगे गाइस 4.04 मोल। ऐसे ही हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन का गिवन मास कितना है, वो है 24.27, कितना है 24.27, और इसका एटॉमिक मास या मोलर मास कितना होता है 12। तो लगभग अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 2.02, कितना आ जाएगा 2.02। ऐसे क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, वो क्या हो जाएगा 71.76 अपॉन, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5। क्या होता है एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। तो यहां पे क्या रखेंगे 35.5, और 35.5 एग्जैक्टली 2 जगह इक्वल होते हैं किसके 71 के, और 2 दुनी बार फिर चल जाएगा, नहीं किसका भी आ जाएगा 2.02। स्टेप 2 में आपने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लिया, यानी कि इतने इतने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास गाइज प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं स्टेप 3 की, किसकी बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 में यह है कि आप इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को चूज करके हर एक नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दोगे। क्या
क्या कर दोगे, स्मॉलेस्ट जो भी आपके पास नंबर आएगा यहाँ पे, अगर चार होते पांच होते जितने भी होते, उनमें आपको जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आए हैं आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चूज करना है। क्या चूज करना है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्टेप थ्री में क्या होगा, चूज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड डिवाइड ऑल। तो हाइड्रोजन के लिए क्या आ जाएगा, 4.04 अपॉन 2.02 इक्वल्स टू 2। कार्बन के लिए आ जाएगा 2.02 अपॉन 2.02 इक्वल्स टू 1। और क्लोरीन के लिए आ जाएगा 2.02 अपॉन 2.02 इक्वल्स टू 1। क्योंकि सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 2.02 ही है, हर एक नंबर को अब 2.02 से मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी डिवाइड कर देगा। तो डिवाइड करने के बाद हाइड्रोजन ये आया, कार्बन ये आया, क्लोरीन ये आया, यानी कि इट मींस रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इक्वल्स टू 1:2:1। क्या आया? 1:2:1। यही सिंपलेस्ट रेशियो है। अगर ये सिंपलेस्ट रेशियो है तो स्टेप फोर में क्या लिखना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है स्टेप फोर में? एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, सील कितना है 1। ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट रेशियो का एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या हो जाएगा ये एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब स्टेप फोर में आपके पास एक आंसर तो आ चुका है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना, लेकिन अभी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। क्या निकालना है आपको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। तो स्टेप फाइव, उसके लिए क्या करेंगे, स्टेप फाइव में हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल एन। एन था सिंपलेस्ट रेशियो नंबर को बाहर निकाल देते थे, तो अगर हम एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमारे पास इसी से एक रिलेशन और भी होता है, क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इक्वल्स टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि मोलिकुलर मास जो होगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास इंटू एन के इक्वल होगा। अब मोलिकुलर फॉर्मूला जो आपके पास मास दिया हुआ है वो दिया है आपको 98। कितना दिया है, सबसे पहली स्लाइड पे देख लेंगे, 98.96। क्या दिया है गाइज, 98.96 इक्वल्स टू एन। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपको निकालना है, अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है तो उसका मास क्या होगा, इसका मास होगा गाइज कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1:2 प्लस 35.5, यानी कि 98.96 इक्वल्स टू एन इंटू 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 34 35.5 और 14 तो 0.594, कितना आ गया गाइज 49.5। तो n की वैल्यू क्या जाएगी, 98.96 अपॉन 49.5। 49.5 से अप्रोक्सीमेटली ये कटेगा 2 टाइम्स, क्योंकि 49 टू होते हैं 98 और 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5 कितना हो जाएगा 99। तो 98.96 में अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल आएगा, यानी कि n की वैल्यू आई 2। और जो भी ये नंबर्स होते हैं हम इनको एक कंप्लीट इंटीगर लेते हैं, कंप्लीट होल नंबर लेते हैं। मैंने आपको नहीं बताया था 1.99 समथिंग तो आएगा, लेकिन 1.9 को क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। देन अगर ये आ गया आपका 2, एन की वैल्यू वहां पे 2 रख दो, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा गाइज, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH2Cl क्या था एम्पिरिकल फॉर्मूला और 2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा C2H4Cl2। क्लियर, दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला। ये आ गया आपके गाइस आंसर। अब सवाल को लिखो और सॉल्यूशन इसका करो।
सवाल में क्या दिया है, हमें सबका मास परसेंट दिया है, ठीक है, और क्या पूछ लिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ लिया और मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ लिया, राइट। तो हमने क्या किया कि हमने इसका टोटल मास 100 ग्राम मान लिया और एक एक एलिमेंट के लिए ये हाइड्रोजन 4.04 ग्राम हो जाएगा, कार्बन 24.27 ग्राम हो जाएगा, क्लोरीन 71.76 ग्राम हो जाएगा, राइट, ये हमने मान लिया। फिर मोलिकुलर मास हमें दिया हुआ था 98.96। अब इन सारे स्टेप्स को मैं टेबुलर फॉर्म में भी करवाऊंगा, यानी कि ऐसा तो बुक में दिया है तो तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए। अब मेरा क्या इसमें मेथोडोलॉजी है, मैं इस सवाल को कैसे करता हूँ वो भी आपको सिखाऊंगा। सवाल को पोस्ट करके लिखो, फिर आगे स्टेप वन करो, राइट। ये था जी गीवन, क्या था ये गीवन, स्टेप वन सबसे पहले करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले, स्टेप वन कन्वर्ट मास परसेंटेज टू मास। सबसे जरूरी जो था परसेंटेज स्केल का मानना था, तो 100% होती है कंप्लीट चीज, क्योंकि परसेंटेज चलता ही 100 के रेशो पे है, तो 100 ग्राम आपको अगर याद दिया है तो एक एक का आपने मास परसेंट से मास निकाल लिया, जितना मास परसेंट होगा उतना ही उसका मास होगा, राइट है। फटाफट से लिखो, लिख लिया होगा, है ना, ये लिख लिया। इसके बाद आगे चलते हैं, इस स्लाइड को स्टॉप करके स्टेप टू लिखना, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास के, किसके, गिवन मास अपॉन मोलर मास के। तो गिवन मास आपके पास है 4.04, क्योंकि सबका मास आपको पता लग ही चुका, और हाइड्रोजन का मोलर मास या एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5, और सबके नंबर ऑफ मोल्स आपके पास निकल के आ चुके। क्लियर करो जी फटाफट। क्लियर है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, हमें केवल कंप्लीट डिवाइडेशन नहीं करना, मोटा मोटा आइडिया लेना है, और ये तो तुम्हें ऐसा नंबर मिलेगा रखा हुआ कि आप उसमें कर भी सकते हो। ज़्यादा कंप्लीट डिवाइड मत करना, केवल पॉइंट के दो लेटर तक ले लेना, टू नंबर्स तक ले लेना, राइट। आगे चलते हैं, फिर स्मॉलेस्ट नंबर को चूज करके सबको डिवाइड कर दिया, तो हाइड्रोजन के लिए स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबको स्मॉलेस्ट नंबर था 2.02, तो सबके जो नंबर ऑफ मोल्स आए थे उनको 2.02 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये 2 आया, ये 1 आया, ये भी 1 आया, तो CH और CL का रेशो आ गया 1:2:1 का, और यही इनका स्मॉलेस्ट रेशो है, इसका मतलब यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। क्लियर है,
क्लियर है, सिंपल सा स्टेप था। उसके बाद मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने तुम्हें कल बताया था कि ये होता है जी मोलिकुलर फॉर्मूले का और एम्पिरिकल फॉर्मूले का रिलेशन। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एन इक्वल्स टू मोलिकुलर फॉर्मूला मास, अगर मास की फॉर्म में लिखना है तो। क्लियर, यानी कि जितना भी एन का मल्टीप्लाई करोगे उसके ही मल्टीपल के इक्वल आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, इक्वेशन से पता लगता है। ये हमें दिया हुआ था जी, ये हमने निकाल लिया एम्पिरिकल फॉर्मूले से, तो इनको डिवाइड करके एन की वैल्यू टू आई, ये एन की वैल्यू सीधी यहां रख दी, ये आपके पास बन गया आपका मोलिकुलर फॉर्मूला। ये आपका एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, क्या आपके एनसीईआरटी का ये इंटेक्स क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये गाइस। सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करनी है तो C2H4Cl2 खत्म। इसको लिखो, दोनों आंसर आपके पास आ गए, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी आपके पास आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला भी आपके पास आ गया। अब देखो मैं इसको कैसे एक टेबुलर फॉर्म में करता हूं, यानी कि पांच के पांच स्टेप को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। आइए जी लिखते हैं एक बार इसको टेबुलर फॉर्म में। क्लियर है जी, क्लियर। यहां डालते हैं जी सीरियल नंबर, क्या डालते हैं जी यहां पे सीरियल नंबर। उसके बाद यहां पे लिखते हैं जी एलिमेंट्स, क्या लिखते हैं गाइस यहां पे एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स दिया है, एलिमेंट्स परसेंटेज। उसके बाद इस हेडिंग में आपको डालना है मास ऑफ एलिमेंट, सीधा आपको क्या करना है मास एलिमेंट निकालना है। उसके बाद इसमें आपको करना है जी नंबर ऑफ मोल्स, क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद यहां पे आपको लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका। उसके बाद आपको क्या लिखना है डिवाइड ऑल बाय स्मॉलेस्ट नंबर, क्या करना है उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है, और यहां पे आपके पास आ जाएगा रेशियो ऑफ दी एलिमेंट्स। ठीक है गाइज, तो हमारे पास जो है वो तीन एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है तीन एलिमेंट्स है हमारे पास, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास तीन एलिमेंट्स है, सीरियल नंबर 1, 2 और 3। क्या क्या दिया है, हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन। कितना हाइड्रोजन दिया है 4.04%, सिंपल यहां परसेंटेज में ही है परसेंट। उसके बाद कितना कार्बन दिया है 24.27%, और ये कितना दिया है 71.76%। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गाइस 4.04 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 4.04, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास आपको सीधा एक पता ही है हाइड्रोजन के लिए होता है। उसके बाद इसके लिए हो जाएगा 24.27 डिवाइडेड बाय 12, और यहां पे आ जाएगा 2.02। क्लियर है,
उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 71.76 डिवाइड बाई 35.5 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2.02। अब इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर है 2.02, 2.02 और 2.02। अब सबको 2.02 से डिवाइड कर दो, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बाई ये, यानी कि 4.04 डिवाइड बाई 2.02। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2.02 अपॉन 2.02 और यहाँ पे आपको क्या करना है, 2.02 अपॉन 2.02। मतलब ये डिवाइड बाई ये, ये डिवाइड बाई ये, ये डिवाइड बाई ये। इसको डिवाइड इससे करेंगे तो आ जाएगा 2, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। ये आपकी टेबुलर फॉर्म बन चुकी। इसका मतलब है गाइज, इसका मतलब है कि कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो क्लोरीन क्या आया आपके पास, वो आपके पास आया 1:2:1। जो भी आपके पास रेशो आएगा, जो भी गाइज आपके पास रेशो आएगा, वही रेशो क्या होगा, वही रेशो होगा आपके पास जो भी रेशो आपके पास आएगा गाइज, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH2Cl। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको यही सब करना पड़ेगा गाइस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिना इसके नहीं निकल सकता। तो इस टेबुलर फॉर्म को भी आप लिखेंगे, जिससे कि ये सवाल आप केवल एक ही जगह कर सके, है ना, इसको फटाफट से कर ले। देखो कितना आसान सा सवाल है, ये आसान ही है, केवल बड़ा है थोड़ा सा, मतलब काफ़ी सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर, लेकिन सवाल ये बहुत आसान है। जो भी यहाँ रेशो आएगा वही उनके नीचे लिख देना है CH2Cl। सब कुछ क्लियर है? क्लियर है गाइज? इसको दोबारा से लिख देता हूं, क्लियर क्लियर है जी, जल्दी से अब कर दो, बस हो गया सवाल। जो जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको बस केवल ऐसे लिख लो, जो भी परसेंटेज दिया है उनको ऐसे लिख लो, राइट। जो भी परसेंट होगा वही उनका मास होगा। जो परसेंटेज होगा वही उनका मास होगा, यानी कि इसको आप यहां पे 4.04 ग्राम, 24.27 ग्राम एंड 71.76 ग्राम इस तरह से लिख लेंगे और फिर आगे चलेंगे। जो परसेंटेज दिया वही मास है, आपको कुछ नहीं करना, नथिंग यू विल हैव टू डू, द परसेंटेज गिवन ऑफ द एलिमेंट इज द मास ऑफ दैट एलिमेंट एंड द मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय द
मोलर मास और एटॉमिक मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स के बाद आपको स्मॉलेस्ट नंबर से चूज करके सबको डिवाइड कर देना है, एंड व्हाट विल यू गेट द नंबर, दैट इज द रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स, एंड द रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ योर कंपाउंड. You can know the empirical formula compound, empirical formula mass. You know the relation molecular mass equals to n into empirical formula mass. You can calculate here by the empirical formula mass and you have given the molecular mass. N ki value aa jayegi, n se andar divide kar dege, you will have your molecular mass like this. Clear hai? Absolutely clear hai sir. फटाफट से लिखे, आगे चलते हैं. फिर इसको पोज करके लिख लिया करो, कोई भी चीज छोड़ा मत करो. राइट है कि रॉन्ग है? राइट है सर. ओके चलो मान लेते हैं. समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है शोभित? क्लियर है बेटा? हिमांशु आपको क्लियर है? ओके बेटा आगे चलते हैं. आगे करते हैं कुछ और क्वेश्चंस. क्वेश्चंस हमारे पास है पीडीएफ की फॉर्म में, तो उन क्वेश्चंस को एक बार हम लोग यहां पे ओपन कर लेते हैं गाइस. ये है गाइस आपके लिए क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस है आपके लिए. पहला ही क्वेश्चन जो यहाँ से आया है वो है नीट 2020 का. लुक एट द क्वेश्चन एंड रीड अबाउट दिस. लुक एट द क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन को देखिए और इसके बारे में रीड कीजिए, और रीड करके मुझे जरा ये बताइए कि हाउ कैन आई डू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा एटम्स है. यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट नंबर, यू जस्ट हैव टू कंपेयर दीज थिंग्स. कंपेयर करना है आपको. ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही नीट 2020 में गाइज आया है. तो आपको एक चीज पता है, क्या पता है? वन मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स. पता कि नहीं पता आपको? बता दो. ये आपको पता है? अगर ये आपको थिंग पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे. आपको एजी का गिवन मास भी दिया है और आपको एजी का एटॉमिक मास भी दिया है. अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो वो क्या होगा? गिवन मास ऑफ एजी अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एजी. तो गिवन मास जो एजी का है गाइज वो है 1, और एटॉमिक मास जो एजी का है गाइज वो है 108. यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आए 1/108. ये बात समझ में आती है? अगर एक मोल में इतने एटम्स हैं तो इसमें एटम्स कितने हो जाएंगे गाइस? इसमें एटम्स हो जाएंगे 6.022 इंटू 10^23 इंटू 1/108. जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो. अगर एक मोल में इतना तो इतने मोल में इतना नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाएंगे. सेम काम हम करेंगे बेटा जी एमजी के लिए. इसके नंबर ऑफ मोल्स भी कितने आ जाएंगे? 1/24. कितने आ जाएंगे इसके? 1/24. दैट इज द गिवन मास एंड हियर इज द एटॉमिक मास. यानी कुछ भी नहीं करना था. तो इसके जो नंबर ऑफ एटम्स है वो आ जाएंगे 6.022 इंटू 10^23 इंटू 1/24. क्लियर है? सेम काम हम लोग करेंगे इसके लिए, O2 के लिए. अब O2 के लिए हमें दिया है 1 ग्राम. कितना? गिवन मास. और प्यारे बच्चों क्योंकि ये कंपटीशन का सवाल है तो हलवा तो खस्ता तो नहीं होगा, ये तो बात समझते हो. O2 के लिए पूछ रहा है. किसके लिए पूछ रहा है? O2 के लिए. एटॉमिक मास किसका दिया है?
ओ का दिया है, तो आपको इसके एटॉमिक मास से डिवाइड नहीं करना, आपको इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? मोलिकुलर मास से। और आपके पास यहां पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1/32। अब अगर यहां पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आए, ये मोल किसके आए? O2 के आए। किसके आए? O2 के। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, यही आंसर है, हो गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना है? 1/32, राइट। तो इसके अंदर एटम नहीं, इसके अंदर आएंगे मोलिक्यूल्स। क्या आएगा इसके अंदर? मोलिक्यूल्स। और कितने मोलिक्यूल्स आ जाएंगे? 6.022 × 10^23 / 1/32। और एटम्स कितने आ जाएंगे इसके अंदर? एक मोलिक्यूल दो एटम से मिलके बना है O2 का, एक O2 का मोलिक्यूल दो ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई और हो जाएगी, यानी कि 2 × 1/32 × 6.022 × 10^23 आए इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स। बात कर लेते हैं लिथियम के अंदर की। किसकी बात कर लेते हैं? लिथियम की। लिथियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएगा गाइस? इसका गिवन मास 1 और इसका एटॉमिक मास 7, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 6.022 × 10^23 × 1/7। तो आपके पास कुल मिला के 4 प्रकार के आंसर्स आए। एक आपके पास आया ये, कृपया इसको गौर से देखें, एक आपके पास आया ये और एक आपके पास आया ये, राइट, और एक आपके पास आया गाइस ये। जो इसको सॉल्व करने चला गया वो तो बंदा खत्म हो गया, ये मान के चलो कि वो तो बर्बाद हो चुका, क्योंकि हमें 3 घंटे का ये पेपर होता है, इसमें फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, बायोलॉजी भी होती है। फिजिक्स भी 45 questions, केमिस्ट्री भी 45 questions और बायोलॉजी के होते हैं 90 questions, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट मोर, क्योंकि कट ऑफ जाती है 720 में 720। इस पेपर की 2020 की कट ऑफ 720 में 720 मार्क्स पे गई थी, यानी कि एक बच्चे के 720 में 720 ही मार्क्स थे, 720 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, तो कैलकुलेशन करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। अच्छा एक चीज़ मुझे आप बताओ, इन चारों नंबर्स में कॉमन क्या है? हर जगह 6.022 × 10^23, इसमें भी और इसमें भी, ये कॉमन है। क्या है? कॉमन है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1/16 × 6.022 × 10^23 के, क्लियर है। अब जब ये कॉमन है तो पता लग रहा होगा कि हर जगह इस 6.022 को 16 से या 24 से या 108 से या 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अब जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे उतनी छोटी वैल्यू आपके पास आएगी, राइट। जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे उतनी छोटी वैल्यू आपके पास आएगी, और जितने छोटे नंबर से डिवाइड करोगे उतनी बड़ी वैल्यू आपके पास आएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं, जैसे कि आपके पास है 10। क्या है आपके पास? 10। आप 10 को डिवाइड करो 1 से, 1 छोटा नंबर है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10। और आप इसी 10 को डिवाइड करो 10 से, ये 10 1 से बड़ा है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1। जितना बड़ा नंबर उतनी कम वैल्यू, जितना बड़ा नंबर नीचे उतनी कम वैल्यू, जितना छोटा नंबर नीचे उतनी बड़ी वैल्यू। इसने पूछा है मैक्सिमम। क्या पूछा है इसने? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम निकालने के लिए आपको ये एटम की नंबर मैक्सिमम देखनी है किसके अंदर आएगी, तो जितना छोटा नंबर नीचे होगा उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो यहाँ तो 108 सबसे बड़ा नंबर है, 108 है यहाँ पे, तो सबसे बड़ा नंबर है, ये तो हो ही नहीं सकता। 20 फिर थोड़ा छोटा हुआ, 16 और भी छोटा हुआ, और 7 तो और भी छोटा हो गया, यानी कि ये 7 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है डिवाइड के लिए। अगर ये सबसे स्मॉलेस्ट है तो इसकी वैल्यू सबसे बड़ी आने वाली है। अगर इसकी वैल्यू सबसे बड़ी आने वाली है तो यानी कि 1 ग्राम ऑफ लिथियम के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर।
डी इज द राइट आंसर। सवाल लिखो और इसके बारे में इसकी कैलकुलेशंस को लिखो। मैंने कहा था ना कि एक मोल की डेफिनेशन नाइन्थ क्लास में सिखाते थे, वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि पिछले ही साल नीट ने उसके बारे में बता दिया। अब शायद मुझे कुछ बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन खुद अपने बारे में बोल रहा है कि देखो मुझे किस तरह से पढ़ना है और मेरी क्या अहमियत है। राइट है, राइट है कि नहीं है? एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि ये जो एन आपने निकाला है, ये जो आपने एन निकाला है गाइस, ये एन आपने निकाला है गिवन मास अपॉन मोलर मास से। किससे निकाला है? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास से। तो गिवन मास हर एक का ही आपके पास 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम और 1 ग्राम दिया हुआ था, एटॉमिक मास सबके दिए हुए थे, कुछ नहीं करना था, बिल्कुल ही सस्ता सा सवाल था। कर लो गाइस फटाफट। आंखें खोल के करना था, बिना आंख खोले मत करना, ठीक है? और ये नहीं छापना, ये तो मैंने केवल समझाया था आपको कि ऐसे करना है, क्योंकि तुम क्या होते हो, तुम सब कुछ छापते हो, तुम्हें होती है आदत छापने की। एवोगैड्रो नंबर से ये सवाल हुआ, 2020 में ही ये सवाल अपने बारे में बता चुका कि मैं किस कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता हूं और मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है। इस सवाल के आंसर को आपको नहीं छोड़ना, ये सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ही चिंदी मिंदी से होगे, जिनको आप ऐसे हंसते खेलते कूदते हुए कर दोगे। इन सवालों को बड़े ही मजे के साथ किया जा सकता है, बड़े ही आनंद के साथ इन सवालों को हम सोल्व कर सकते हैं, और इस चैप्टर में आने वाले हर सवाल को। अभी मैं तुमसे और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें बेसिक के अलावा कुछ है ही नहीं। नीट 2020 का क्वेश्चन है, लॉकडाउन में जो पेपर हुआ था सितंबर अगस्त में, उसी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, वहीं से मैंने उठा लिया। हम भी बिल्कुल इंतजार में रहते हैं कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आए। इसको फ्रीज करके लिखना गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, अदरवाइज हम एक दो ही क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है? ये तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है, इसको फ्रीज करके लिखो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते तो ये सब कुछ हट जाएगा, प्लीज इसको एक बार फ्रीज करके लिख लेना, ठीक है? आगे चलते हैं, सब कुछ लिख लेना, कभी आगे पीछे जाओ, सब कुछ पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है। ये यहाँ से सवाल हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर है तो यहाँ पे एटम्स की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, और अगर मिनिमम पूछता तो मिनिमम होते इसके अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है ये, लेकिन हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, राइट? चले चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2019 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइज, आइए एक बार इसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। सवाल को पढ़ते हैं, सवाल को पढ़ने में आई थिंक कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी, क्लियर है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस इज, राइट? अब आपको अमोनिया का पता होना चाहिए कि क्या होती है अमोनिया, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स मतलब क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। सेकेंड चीज जो है, आपको हैबर प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? हैबर प्रोसेस के बारे में आपको अच्छे तरह से पता होना चाहिए। हैबर प्रोसेस होती है अमोनिया बनाने की टेक्निक। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, जो लोग 9th, 10th में, 11th में बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, वो लोग एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग? नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह से होता है, एक नेचुरली और एक आर्टिफिशियली।
नेचुरली जो होता है वो होता है कभी कभी, तो जैसे बिजली जो 78% नाइट्रोजन हमारे पास होती है गाइस, और नाइट्रोजन हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट होता है, बहुत इसेंशियल एलिमेंट होता है, इसलिए यूरिया डालते हैं, यूरिया में भी नाइट्रोजन मिलता है। तो जो लोग कभी खेत वेत को मतलब बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे वो लोग जानते होंगे, राइट। तो गाइज हमें करना पड़ता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह से होता है, एक नेचुरली यानी कि जो नेचर खुद से कर रही है एक वो, और एक होता है आर्टिफिशियली। अब नेचर जो है वो बहुत ही कम नाइट्रोजन को फिक्स कर पाती है। नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब क्या होता है, अभी जब हम केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे अपना फोर्थ चैप्टर इसका, तो हम लोग बॉन्डिंग के बारे में समझेंगे। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि तीन बॉन्ड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उस बॉन्ड को इजिली नहीं तोड़ सकते। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट खर्च करनी पड़ती है। अब वो एनर्जी जो है वो कभी कभी बिजली गरजती है, लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग में इतनी हीट होती है, इतनी एनर्जी होती है कि एटमोसफियर में जो नाइट्रोजन होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि लाइटनिंग कहीं कहीं होती है, हर जगह तो लाइटनिंग नहीं होती, तो जहाँ भी वो लाइटनिंग नेचर में आती है और जहाँ वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो उसके बीच के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देती है। ट्रिपल बॉन्ड के टूटने के बाद तुरंत, क्योंकि जब लाइटनिंग हुई है तो बारिश भी होती है, राइट, तो बारिश से वो नाइट्रोजन रिएक्शन करती है, एटम रिएक्शन करता है, मॉलिक्यूल तो टूट चुका। मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन होते हैं, वो दो नाइट्रोजन तीन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं, उसको तोड़ती है ये लाइटनिंग। फिर लाइटनिंग के बाद होती है बारिश, बारिश में वो नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर चला जाता है और फिर हमारी सोइल्स की ग्रोथ के लिए, यानी कि पेड़ पौधों में सोइल से मिल जाता है और हमारे प्लांट्स ट्रीज को अच्छे तरीके से उनका न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स बन जाता है। दूसरा, हैबर जो आदमी थे इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज अगर मिलता है किसी भी इंसान को तो वो उस फील्ड में बहुत बड़ा एप्लीकेशन फैक्टर लेके आता है अपने काम का। अब तक नाइट्रोजन जो फिक्स हो पा रही थी वो 1-2% थी, लेकिन हैबर प्रोसेस ने एक ऐसी टेक्निक दी, एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसी मेथडोलॉजी दी जिससे कि हम नाइट्रोजन को नेचर से कंप्रेस करके, इकट्ठा करके, हवा को इकट्ठा करके कंप्रेस करके खुद भी फिक्स कर सकते थे। और उस प्रोसेस की जो केमिकल रिएक्शन थी वो थी N2+3H2 gives 2NH3। ये होती है हैबर प्रोसेस की केमिकल रिएक्शन, क्लियर है। अब सवाल को पढ़ते हैं। अब ये जो रिएक्शन है बेटा जी, ये रिएक्शन पता क्या बोलती है, ये रिएक्शन बोलती है कि 3 moles ऑफ हाइड्रोजन गैस गिव्स 2 moles ऑफ अमोनिया गैस, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। और मैं इसको बेटा जी ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, कि 2 moles ऑफ अमोनिया, 2 moles ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाई 3 moles ऑफ हाइड्रोजन। बताओ ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। अरे इस रिएक्शन में 1 mole ने 2 मोलिक्यूल दिए, या 3 ने 2 दिए, या 1 ने 3 के साथ रिएक्शन करके 2 दिए, एक ही तो बात है, यानी कि 1 मोलिक्यूल ने 3 mole ऑफ H2 के साथ रिएक्शन करके 2 mole ऑफ NH3 दिए। या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि 2 mole ऑफ NH3 प्रोड्यूस हुए 3 mole ऑफ हाइड्रोजन से, तो 1 mole ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड होगा कितने से, 3/2 mole ऑफ हाइड्रोजन से। और इसने बोला हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 moles ऑफ अमोनिया, तो 20 moles ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड हो गए कितने से, 3/2 × 20 से, तो 2 से 20 कटा 10 टाइम्स और 3 × 10 आया 30, यानी कि अगर आपको 20 मोल अमोनिया पैदा करनी है तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस की आपको रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, 3
जीरो। इसका मतलब, इसका सही आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। क्या इसका सही आंसर गाइज? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? कर लेगा इस सवाल को, बिल्कुल सिंपल था ये तो। बस उसने रिएक्शन ना देके ये हैबर प्रोसेस नाम से डाल दिया। जो बच्चा ध्यान रख गया कि क्या होती है हैबर प्रोसेस, वो सवाल को कर देगा, और जो बच्चा नहीं जानता वो इस सवाल को छुएगा भी नहीं। तो हैबर प्रोसेस तो एक नोबल प्राइज थिंग है, वी शुड नो अबाउट इट, है ना, हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। नोबेल प्राइज विनर रिएक्शन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप अपनी 11th क्लास में कम से कम कई जगह इसको पढ़ोगे, और हम स्पेशली भी इसको पढ़ेंगे हैबर प्रोसेस क्या होती है। जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम वहां कार्बन से अलग बात करेंगे, नाइट्रोजन की बात करेंगे, तो वहां पे भी हम ये हैबर प्रोसेस पढ़ेंगे। तो ये पेपर तो केवल एक चैप्टर पढ़ने के बाद नहीं आता, ये पेपर 11th और 12th दोनों के पढ़ने के बाद आता है। यानी कि हैबर प्रोसेस तो बच्चा जानता है, लेकिन होगा किस फंडे से? इस फंडे से, जो ये लिमिटिंग रिएजेंट वाली डेफिनेशन जो मैंने सिखाई थी उसके फंडे से, कि एक मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया देता है, या 1 मोल देता है नाइट्रोजन का 2 मोल ऑफ अमोनिया, या 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन देता है 2 मोल ऑफ अमोनिया का, या 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होते हैं 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, या 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस से। इसको किसी भी तरह से बोल लो, बात घूम फिर के एक ही आनी है। आपको वो चीज उठानी है जिसके बारे में वो आपसे पूछ रहा है। ही डिंट आस्क अबाउट दी नाइट्रोजन, उसने कहीं क्वेश्चन के अंदर भी मेंशन नहीं किया, तो फॉरगेट अबाउट नाइट्रोजन, इसकी बात ही मत करो। वो आपसे केवल हाइड्रोजन और अमोनिया के बारे में बात कर रहा है, तो आप जस्ट फोकस अपना हाइड्रोजन और अमोनिया के ऊपर रखो, एंड कंक्लूड द रिलेशन, कि क्या रिलेशन है हाइड्रोजन अमोनिया के बीच में। यानी कि 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन की इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है। और हां, ये पता करने से पहले आपको आपकी रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो आप चेक भी कर सकते हो कि ये रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस है। 2 नाइट्रोजन इन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड इन द राइट हैंड साइड वी हैव आल्सो 2 नाइट्रोजन। इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 3 2 6 हाइड्रोजन, एंड इन द राइट हैंड साइड वी हैव 2 3 6 हाइड्रोजन। इट मींस दिस इज ए कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन। ये मोल की परिभाषा लगाने के लिए, टू अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ मोल, वी शुड फर्स्ट बैलेंस अवर केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो आपको ये 3 और 2 जो नंबर है ये गलत पता लग जाएंगे। अगर गलत पता लग गए तो फिर आप सही तरीके से ये रेशो नहीं निकाल पाओगे कि कितने कितने से बनते हैं, राइट। लिखिए इसको, यानी कि आप देखो कि इससे पिछले साल भी क्वेश्चन आया है ना, उससे पिछले साल भी क्वेश्चन आया, और मैं तो ये मानता हूं कि इससे इस साल भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस चैप्टर को सभी लोग नेग्लिजिबल मान के समझते हैं। बट वी आर नॉट फूल, वी हैव वेस्टेड अवर 12 to 13 hours टू सोल्व दिस चैप्टर। 12 से 13 क्लासेस एक एक घंटे की, 12 से 13 घंटे हमने इस चैप्टर को पढ़ने के लगाए हैं। अगर 4 नंबर भी हमें यहां से मिल जाते हैं इजिली, तो ये लकीली थिंग है हमारे लिए। और ना केवल 4 नंबर स्पेसिफिकली यहां से आएंगे, बल्कि ये जो चैप्टर है ये हर चैप्टर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले करेगा।
राइट कर दिया होगा, क्वेश्चन को भी जरूर लिख लेना, विदाउट क्वेश्चन यू विल नेवर नो अबाउट द आंसर, आंसर भी किसी क्वेश्चन का ही होता है ना। कॉन्सेप्ट तो आपने पहले ही पता कर लिया, बट हाउ टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट, यू शुड नो योर क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्वेश्चन। तो ये आपको क्वेश्चन भी लिखना है और क्वेश्चन में नॉलेज भी लिखनी है कि हैबर प्रोसेस का मतलब क्या होता है। दिस इज द हैबर प्रोसेस, हियर वी फिक्स, हियर वी आर ब्रेकिंग द एनन बॉन्ड टू ए सिंगल एटम, एन टू से एन में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं गाइस। राइट, ओके, क्वेश्चन इज गिवन अबाउट अगेन ऑन द मोल डेफिनेशन। ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, किसका ये गाइस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन वी हैव। व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स रीड। वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 × 10³ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये तो उसने प्री नोन थिंग हमें बता दी, ये चीज तो आप पहले भी जानते थे एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से कि 1 mole = 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। यू न्यू अबाउट इट, तो ये पूछ रहा है, यहां तक तो उसने दिया, अब देखो क्या पूछेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 molar H2SO4, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। यानी कि इसने पूछा है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 100 ml 0.02 molar सॉल्यूशन के पास। अच्छा, इसने मोलर दिया है, क्या दिया है इसने, मोलर दिया है। आइए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर इसने आपको ये मोलर दिया है तो आप इसकी मोलरिटी को जानते होगे, ऑब्वियस सी बात है। मोलरिटी जो होती है वो हमने इसी चैप्टर में पढ़ी है, वो क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है वो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम है लीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, अगर वॉल्यूम ml में है, वी हैव नोन इन द क्वेश्चन कि 100 ml दे चुका, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये ml में और 1000 से इसकी मल्टीप्लाई कर देगी। एक बार आप अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, देन यू कैन नो कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2SO4 के वहां पे प्रेजेंट हो गए। तो m की वैल्यू आपको दी है 0.02, यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ n, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ v इन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000, दो जीरो से दो जीरो खत्म, राइट। n की वैल्यू आई 0.02/10, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2, अच्छा आप छोटे बच्चे हैं, 0.02/10 में पॉइंट हटा के नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितने भी पॉइंट के बाद जीरो होते हैं, जितने भी पॉइंट के बाद नंबर्स होते हैं, उन वहां से पॉइंट को हटा के उतने ही नंबर से नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास 2/1000, क्या आ गया आपके पास, ये 2/1000, ये आए आपके नंबर ऑफ मोल्स, क्या है आपके, ये नंबर ऑफ मोल्स। अब वन मोल जो होता है उसके पास होते हैं 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स, राइट, किसके, H2SO4 के, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, राइट। एक मोल के अंदर इतने हैं, तो इतने मोल के अंदर कितने हो गए, देन 2/1000 मोल विल हैव 6.022 × 10³ × 2/1000, राइट, सिंपल सी बात है, 30 से यहां 23 - 3 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2^4 × 10²⁰ मॉलिक्यूल्स H2SO4 के।
क्लियर है गाइस? यानी कि एक मोल के पास होते हैं इतने, आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए फ्रॉम दिस डाटा, इस डाटा को निकालने के बाद आपके पास आपके नंबर ऑफ मोल्स आए 2/1000, तो 2/1000 में कितने हो गए, इस नंबर की मल्टीप्लाई हमने कर दी 2/1000 से, 30 से ऊपर की 30 कट जाएगी, ऊपर बच जाएगा 20, और इस 2 की मल्टीप्लाई कर दी 6.022 में, जो इक्वल्स टू आया 12.0224, जो किसके इक्वल आया गाइस, 12.044 इनटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 वी विल हैव डन। ये क्वेश्चन भी हो गया डन, लिखो गाइस फटाफट। कहीं से भी नंबर ऑफ मोल्स निकलवा सकता है, आपको निकालने ही नंबर ऑफ मोल्स है, आपका जो फोकस होना चाहिए गाइस वो फोकस आपका नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने पे होना चाहिए, और यहीं से नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, और ये एम लिखते ही फंस गया ये, हमें इसको फंसाना है एम से, एम का मतलब होता है N/V, एन में आ गया एन, एम में आ चुका एन, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स आ चुके गाइस, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, समझे, इसको नोट डाउन करेंगे, एंड ये क्वेश्चंस आपको मुझे सेंड भी करने हैं, मतलब जो भी आप नोटबुक में इसको लिख रहे हो वही नोटबुक में मुझे क्वेश्चन भी चाहिए और सॉल्यूशन भी चाहिए, सॉल्यूशन जैसे मैंने किया है, आई हैव द सफिशियंट प्लेस टू डू द क्वेश्चन, आपके पास बहुत सारी जगह होगी राइट, आप इसको अच्छे से करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे बराबर मत लिखना, ठीक है, ये सवाल का एक लहजा हो और ये आपका आंसर आ गया गाइस राइट। आज इतना ही करते हैं, कल की क्लास में और क्वेश्चन हमारे पास है वो करेंगे, पॉज करो और इसको यहाँ पे ख़त्म करो, थैंक यू सो मच गाइस।